नमस्ते दोस्तों, मैं स्नेहा शुक्ला आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल जरा हटके। फ्रेंड्स, आज हम कान्हा जी का आसन बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। और घर पे जो बेकार पड़ा हुआ सामान है, जैसे कि कार्डबोर्ड, थर्मोकोल सीट, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हुए आज हम लोग कान्हा जी का आसन बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। हमने कुछ कार्डबोर्ड लिए हुए हैं जो कि यूजलेस कार्डबोर्ड हैं। यहाँ पर रिबन लिया हुआ है, ब्लू कलर का है। आप किसी भी कलर का रिबन ले सकते हैं। सीजर है, कुछ मैंने इयररिंग्स लिए हुए हैं जो मैं अब नहीं यूज़ करती हूँ, मेरे लिए यूजलेस है। मैंने वो इयररिंग्स लिए हुए हैं फॉर डेकोरेशन पर्पस। और ये देखिए, मैंने रेड कलर का लिया हुआ है डेकोरेट करने के लिए। मैं टेप ले रही हूँ यहाँ पर, और कुछ कलरफुल पेपर लिए हुए हैं मैंने, जैसे रेड, येलो, आप कोई भी ले सकते हैं पेपर इसमें किसी भी कलर का। एक थर्मोकोल सीट ली हुई है, ये मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ थर्मोकोल था, मैंने ले रखा है। सबसे पहले हम कार्डबोर्ड को चारों तरफ से टेपिंग कर देते हैं ताकि वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए। मैं चारों तरफ से यहाँ पर कार्डबोर्ड की टेपिंग कर रही हूँ। अब हम थर्माकोल की जो शीट है, जो ये रिंग है, इसको मैं कट कर ले रही हूँ साइड से। ये देखिए, करीब आधा इंच मैं छोड़कर इसे एक रिंग की शेप में ये कट कर ले रही हूँ, जो कि पहले से ही मेरा रिंग था। आप इसे चाहें तो कार्डबोर्ड से भी बना सकते हैं, शीट से आप एक रिंग का शेप देते हुए इसे कट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये रिंग को काट कर अलग कर लिया है बाकी थर्माकोल से। ये बाकी का थर्माकोल हमारा यूजलेस हो गया है और इसमें ही मैंने ये रिंग को अलग कर दिया है। अब हम इस रिंग को रिबन की हेल्प से पूरी तरह से इसको कवर करेंगे। ग्लूगन लगाते हैं, ग्लूगन लगाकर इसको राउंड राउंड करते हुए पूरी, ये देखिए, कुछ इस तरह से हम अपनी रिंग को पूरी तरह से कवर कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी रिंग पूरी तरह से कवर हो चुकी है रिबन से। कितनी सुंदर दिख रही है, पूरी ब्लू मैंने इसको कवर किया हुआ है। अब हम कार्डबोर्ड पर ये ग्लिटर पेपर लिया हुआ है मेटैलिक कलर का, इसे हम पेस्ट करेंगे पूरी तरह, पूरी कार्डबोर्ड में अच्छी तरह से इसको मैं पेस्ट करने जा रही हूँ। तरह से ग्लिटर पेपर से कार्डबोर्ड कवर हो चुका है। अब हमें इस कार्डबोर्ड में बॉर्डर बनाना है, तो इसके लिए हमने रिबन को एक बॉर्डर का शेप देते हुए चिपका रहे हैं। हमारा कार्डबोर्ड रिबन और बॉर्डर सहित अच्छे से बिल्कुल मैंने तैयार कर लिया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छे से मैंने इसको पेस्ट किया हुआ है। अब हम रिंग को इसकी बैक साइड में पेस्ट कर रहे हैं ग्लू गन की हेल्प से।
लास्ट जो इयररिंग्स थे उनका यूज़ करते हुए अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। इसके बैक साइड में एज अ डेकोरेटिंग मटेरियल हम इसे पेस्ट करेंगे। मैंने ये जो कलरफुल इयररिंग्स थे इसको बीच में पेस्ट किया हुआ है, और जो हमारे स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग यूज़ किया हुआ है, और जो रेड कलर था, रेड कलर की इयररिंग्स थे उनको साइड्स में एज अ स्ट्रिंग यूज़ किया हुआ है। मैंने इसमें ऐसे करके चिपका दिए हैं अपने इयररिंग्स, कितना सुंदर दिख रहा है। अभी हम थर्माकोल शीट लेते हैं, तीन अलग अलग टुकड़े काट के तैयार करते हैं। मैंने ये तीन अलग अलग टुकड़े अलग अलग साइज़ के मैंने काट के तैयार कर लिए। इन टुकड़ों से हम अपने जो आसन बनाया हुआ है कान्हा जी का, उसमें सीढ़ियाँ लगाएंगे। इस तरह से हम इसमें सीढ़ियाँ लगाने के लिए मैंने ये तीन टुकड़े थर्माकोल शीट्स के काट लिए हुए हैं। अभी हम इन थर्माकोल शीट्स को रेड पेपर से कवर करेंगे, ऐसे रैप करेंगे जैसे हम कोई गिफ्ट रैप करते हैं। ये देखिए मैं रैप कर रही हूँ थर्माकोल शीट को रेड पेपर से। तीनों थर्माकोल के टुकड़ों को मैंने रैप कर लिया है रेड पेपर से। अब इसके किनारे मैं बॉर्डर बना रही हूँ ग्लिटर पेपर से, मेटेलिक ग्लिटर पेपर से। ग्लूगन लगाकर हम सिंहासन में सीढ़ियों को चिपका देते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से हम इसको चिपका रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, कान्हा जी के आसन में मैंने ये सीढ़ियाँ चिपका दी हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है कान्हा जी का ये आसन। थर्माकोल के टुकड़े लिए हुए हैं ये हमने, इन एक ही आकार के हैं, सेम साइज में हैं। इसको हमने ब्लू रिबन से इसको पूरी तरह से कवर कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, अच्छे से इसको ब्लू रिबन से कवर कर दिया है। अभी हम मेरे पास ये यूजलेस राखी पड़ी हुई थी, इसके बीच का ये गोल्डन सा पेंडेंट हम इसको निकाल के अलग कर लेंगे। ये दो राखियाँ थी मेरे पास, इसका बीच का ये मैंने अलग कर लिया है निकाल के पेंडेंट। अब हम इन दोनों थर्माकोल के टुकड़ों को ग्लू गन की हेल्प से साइड आसन के साइड में इसको चिपका देंगे। राखी के बीच का जो मैंने पेंडेंट निकाला हुआ था उसको साइड में एज अ डेकोरेशन मटेरियल मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमने कान्हा जी का आसन घर पर पड़े हुए बेकार सामान से बनाकर तैयार कर दिया है, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। हमारे कान्हा जी इसमें कितने सुंदर दिख रहे हैं देखिए दोस्तों। हमने इसमें एक भी रुपए खर्च नहीं किए, घर पर अपनी मेहनत से इसको बनाकर तैयार कर लिया है दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो मेरे नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे देख सके।